क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने एशिया कप 2030 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक खेला जाएगा। वहीं एशिया कप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक ही ग्रुप में है। आपको बता दें कि एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जा रहा। आगे बढ़ने से पहले आपको 5 वो बड़ी बातें बता देते हैं जो कि टीम इंडिया के ऐलान के दौरान हुई है। वही आपको बता दें कि KL राहुल टीम में हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फिट नहीं बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल के बैकअप के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। वही तिलक वर्मा को वनडे टीम में मौका दिया गया है, लेकिन युजवेंद्र चहल को इस बार टीम में मौका नहीं मिला है। जी हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा को भी इस बार एशिया कप का टिकट मिला है। वही आपको बता दें कि एशिया कप के लिए भारत की वो 17 सदस्य टीम की घोषणा हो चुकी है। उनमें कौन है वो 17 सदस्य टीम? आपको बता दें कि रोहित शर्मा जो कि कप्तान के तौर पर हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या जो कि इस वक्त उप कप्तान यानी कि वाइस कप्तान के तौर पर हैं, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ईशान किशन, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर और सूर्य कुमार यादव यानी कि तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा भी इस 17 सदस्य टीम में मौजूद हैं, जो कि इस बार एशिया कप खेलेंगे। वही देखा जाए तो BCCI की सूची के मुताबिक भारतीय टीम में 8 विशेषज्ञ बल्लेबाज यानी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, ईशान किशन और तिलक वर्मा को जगह मिली है। वही ईशान और KL राहुल में से किसी एक के विकेट कीपिंग करने की भी संभावना जताई जा रही है। टीम में ये 3 ऑलराउंडर, उप कप्तान यानी कि हार्दिक पांड्या की भूमिका एशिया कप में काफी इस बार अहम होने वाली है। हार्दिक बल्ले से तो शानदार खेल दिखाना चाहेंगे ही, वही गेंदबाजी में भी भारतीय फैंस को इस स्टार की खिलाड़ी से दमदार खेल की उम्मीद रहेगी। वही रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनके साथ साथ अक्षर पटेल को भी बतौर ऑलराउंडर भारतीय टीम में जगह मिली है। वही अक्षर गेंद के साथ ही आपको बता दें कि कई मौकों पर बल्ले से भी अपनी काबिलियत को साबित कर चुके हैं। 5 तेज गेंदबाज और 1 विशेषज्ञ स्पिनर, फास्ट बॉलिंग यूनिट में 5 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह इंजरी से उभर चुके हैं और उनकी स्क्वाड में जगह पक्की हो चुकी है। वही जबकि बता दें कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम लेने के बाद एशिया कप में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। वही शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को भी इस बार चांस मिला है। जहां विशेषज्ञ स्पिनर्स की बात करें तो उस तौर पर चाइना मैन कुलदीप यादव की टीम का पार्ट बनाया गया है। जहां एशिया कप का शेड्यूल अगर आपको बता दें तो 30 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस नेपाल मुल्तान रहेगा। वही 31 अगस्त को बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका कैंडी और 2 सितंबर को भारत वर्सेस पाकिस्तान कैंडी रहेगा। 3 सितंबर की बात करें तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान लाहौर। वही 4 सितंबर को भारत वर्सेस नेपाल कैंडी। 5 सितंबर को श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान लाहौर रहेगा। वही 6 सितंबर को AI वर्सेस B2 लाहौर। 9 सितंबर को B1 वर्सेस B2 कोलंबो यानी कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश हो सकता है। वही 10 सितंबर की बात करें तो A1 वर्सेस A2 कोलंबो भारत वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है। 12 सितंबर को A2 वर्सेस B1 कोलंबो। वही 14 सितंबर को A1 वर्सेस B1 कोलंबो होगा। अगर 15 सितंबर की बात करें तो A2 वर्सेस B2 कोलंबो होगा और आखिर में 17 सितंबर को फाइनल कोलंबो होगा। वही इस बार एशिया कप क्यों अहम है, क्यों सबसे ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है, आपको बता दें कि इस बार क्योंकि 50 ओवर के फॉर्मेट में एशिया कप को खेला जा रहा है। वही वर्ल्ड कप से ठीक पहले सब कॉन्टिनेंट में ये एशिया कप हो रहा है। तीसरी सबसे अहम बात आपको बता दें कि वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखने का मौका भी मिलेगा इस बार। वही रोहित के सामने टीम का संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती होगी। वर्ल्ड कप से पहले नंबर 4 की गुत्थी सुलझाने की भी सबसे बड़ी चुनौती सबके सामने रहेगी। एशिया कप में रहा टीम इंडिया का दबदबा। एशिया कप में हमेशा से ही भारतीय टीम का दबदबा रहा है। अब तक के इतिहास में एशिया कप के 15 सीजन हुए हैं, जिनमें से भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा
यानी कि 7 बार किताब जीता है। वही बात करें अगर श्रीलंका की तो वो दूसरे नंबर पे है जो कि 6 बार चैंपियन रही है। वही बता दें कि पाकिस्तान 2 ही बार खिताब को अपने नाम कर सकी है।